ममता दीदी का इस्तीफा लगभग तय। ममता के करीबी पर सीबीआई की नजर। सीबीआई को मिले संदीप घोष के खिलाफ कई कड़े सबूत, ऐसे सबूत जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। चाहे वो यौन शोषण का मामला हो, चाहे वो धमकी का मामला हो, ना जाने क्या क्या। ममता के बेहद खास संदीप घोष की मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ गई, इसी पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आर्जगर मेडिकल कॉलेज मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। आर्जगर मेडिकल कॉलेज केस की जांच कर रही सीबीआई अधिकारियों को मेडिकल कॉलेज की परीक्षाओं के पेपर लीक कराने के लिए पैसे लेने के लिए कुछ सबूत मिले। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। सीबीआई ने यह पता लगाया है कि कैसे कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष अपने घर में काम करने वाले आशीष पांडे के जरिए घूस के पैसे मंगवाते थे और फिर उसके बदले छात्रों को परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करवाते थे। इसके अलावा कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बड़ी ही जिम्मेदारी से ये हम कह रहे हैं कि जिसे बचाने के लिए ममता बनर्जी ने पूरी की पूरी फौज खड़ी कर दी थी, जिसे 24 घंटे के अंदर ही दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया था, उस संदीप घोष को अब ममता दीदी भी नहीं बचा पाएंगी। अब इतना आप तय मानिए। कोलकाता के अर्जुन मेडिकल कॉलेज में खुलासा हुआ है कि जूनियर डॉक्टरों और छात्रों के एक वर्ग ने पिछले कुछ सालों में शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना, बेहिसाब पैसे की वसूली, परीक्षा में फेल करने की धमकी और यौन दुराचार से लेकर पूरे परिसर को अपनी जागीर बना लिया था। पश्चिम बंगाल है, कुछ भी संभव है, ममता दीदी की सरकार है। छात्रों और जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि भाई, संदीप घोष के 2021 में प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से इस गुट के आतंक का राज शुरू हुआ। जहां तक धमकी का सवाल है, हाउस स्टाफ आशीष पांडे का नाम कई बार सामने आया। वही सूत्रों ने आरोप लगाया है कि रेडियोथेरेपी विभाग के एक वरिष्ठ रेजिडेंट सौरभ पॉल भी इसमें शामिल थे। आशीष पांडे जहां सीबीआई की हिरासत में है, वही पॉल भी जांच के दायरे में है। दोनों 10 लोगों में शामिल हैं जिनके खिलाफ काउंसिल ने सबसे सख्त कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार संदीप घोष सौरभ पॉल ने केवल ये तय नहीं किया कि किसे अच्छे अंक मिलेंगे और किसे फेल, बल्कि इंटर्नशिप और हाउस स्टाफ के लिए सीटों के बदले जूनियर से रिश्वत तक ली गई। इन दोनों ने रिश्वत तक लिया। सीबीआई वित्तीय अनियमितताओं और जूनियर डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले में घोष के खिलाफ अलग अलग तरीके से जांच कर रही है। सूत्रों की माने तो आशीष पांडे ने पूछताछ में बताया है कि संदीप घोष मेडिकल छात्रों की परीक्षा में सफलता के लिए उससे पैसे का खेल करवाता था, सीधे तौर पर पैसा लेता था। डॉक्टर संदीप घोष और आशीष पांडे के बैंक खातों की सीबीआई गहन जांच कर रही है ताकि किसी तरीके के अवैध लेन देन के बारे में और सुराग मिल सके। आशीष पांडे आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के उन 10 डॉक्टरों में शामिल थे जिन्हें कॉलेज प्रशासन ने शनिवार रात निष्कासित कर दिया, हटा दिया। सूत्रों ने बताया है कि पांडे के अलावा सीबीआई को पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के कई बड़े अधिकारी के साथ घोष के संबंधों का पता चला है, जिसे ममता दीदी बचा रही थी, कई महीनों से बचा रही थी या सालों से। वे सभी वर्तमान में सीबीआई की जांच के दायरे में। यौन शोषण से लेकर रंगदारी करना, पैसा वसूलना, धमकी देना, ये सब आरोप ममता दीदी के करीबी संदीप घोष पर लगा है। आप सोचिए, ये वही संदीप घोष है भाई जिसने पीड़िता के माता पिता को ये जानकारी पहुंचाई थी कि पीड़िता ने सुसाइड किया है, लेकिन ममता बनर्जी ने तब भी उसी का साथ दिया था। जरा आपको संदीप घोष की कुंडली भी आज बता ही देते हैं, जो कारनामे उन्होंने अब तक किया है और उस कारनामे के बदले पता नहीं कितनी बार ममता दीदी ने संदीप घोष को बचाया होगा। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पश्चिम बंगाल के एक छोटे से शहर बनगांव का रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई भी उसकी बनगांव में ही हुई। यहां से घोष ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की है। बाद में 12th के बाद, 12वीं के बाद मेडिकल स्टडीज का रुख किया उसने। इस दौरान वो कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज पहुंचा और यहाँ जो है संदीप घोष ने मेडिकल स्टडीज के लिए एडमिशन लिया। साल 1994 में संदीप घोष ने यहाँ से अपनी मेडिकल की जो है पूरी पढ़ाई की इसी कॉलेज से। इसके बाद संदीप घोष ने मेडिकल फील्ड में अपने करियर की शुरुआत की। इस दौरान वो कई अलग अलग भूमिकाओं में भी रहे। देखते ही देखते साल 2021 में संदीप घोष को आर्जिकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। ये वही जगह थी जहां कभी संदीप घोष पढ़ा करते थे और यहीं से उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की थी। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनने से पहले संदीप घोष कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज के जो है वाइस प्रिंसिपल भी रहे। ऑर्थोपेडिक्स प्रोफेसर और सर्जन होने के बाद भी वो मेडिकल फील्ड में अपना नाम नहीं बना पाया, लेकिन जैसे ही वो आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल नियुक्त हुए, फिर तो चर्चाएं हो भी क्यों ना, और ऐसा हो भी क्यों ना भाई, संदीप घोष का नाम पहली बार विवादों में थोड़े ही आया है। इससे पहले भी कई बार वो विवादों में घिर चुके हैं। इसके पहले आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के
पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को उनके पद से दो बार हटाया जा चुका है, समझिए दो बार, लेकिन उसके बाद उन्हें फिर से वापस वहीं तैनाती दे दी गई। ऐसा हो भी क्यों ना, काफी खास रहे ममता दीदी के, वाजिब सी बात है ऐसा हो गई। खैर, संदीप घोष के प्रभाव का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि एक बार उन्हें हटाने के लिए एक सरकारी आदेश को महज 48 घंटे यानी सिर्फ दो दिन के भीतर रद्द कर दिया गया था। भाई बताया जाता है कि भ्रष्टाचार के मामले में जून 2023 में संदीप घोष का तबादला मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में कर दिया गया था, लेकिन ठीक एक महीने के अंदर ही उन्हें दोबारा आर्जिकल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। ममता दीदी के इतने खास कैसे हो गए वो पता नहीं। इसी तरह सितंबर 2023 में रैगिंग संबंधित घटना के बाद उनका दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन दोबारा फिर उन्हें आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में तैनात कर दिया गया था। लेकिन इस बार संदीप घोष जी ऐसा फंसे हैं ना भाई कि ना तो घर के रहे हैं ना घाट के, सीता सलाखों के पीछे गए हैं, और इस बार तो ममता दीदी भी उनको बचा नहीं पाई। हाँ, प्रयास जरूर ममता दीदी के द्वारा किया गया, प्रयास तब किया गया जब उनको इस्तीफा देने का, जब उनके इस्तीफे लेने की बात लगातार होने लगी, फिर उनको इस्तीफा देना पड़ा और ठीक 24 घंटे बाद ही ममता बनर्जी ने दूसरे कॉलेज में उनको प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया। लेकिन ममता बनर्जी शायद ये भूल गई कि अब ये पूरा का पूरा जांच जो है सीबीआई कर रही है, जो केंद्र सरकार के अंदर आता है। तो अब उनका बचना, संदीप घोष का बचना, ममता बनर्जी के खास संदीप घोष का बचना मुश्किल लग रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, ममता बनर्जी ने एक महीने पहले इस्तीफे की बात की थी, लेकिन अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। अब ऐसा लगता है, लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं भाई कि अब संदीप घोष को लेकर जो बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, जो यौन शोषण का आरोप लगा है, जो तस्करी का आरोप लगा है, जो घूस का आरोप लगा है, इन सब आरोपों के बाद ममता बनर्जी को अब जाकर इस्तीफा तो दे ही दे देना चाहिए। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।